नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। प्रसिद्ध हास्य व्यंग के पुरोधा अशोक चक्रधर की एक रचना है कि जंगल में चुनाव आने वाला है। उसकी पंक्तियां हैं, पहले उस पर बात करते हैं फिर आते हैं आज के मुद्दे पर। एक नन्हा मेमना और उसकी माँ बकरी जा रहे थे जंगल में, राह थी सकरी। अचानक सामने से आ गया एक शेर, लेकिन अब तो हो चुकी थी बहुत देर, भागने का नहीं था कोई रास्ता। बकरी और मेमने की हालत खस्ता, उधर शेर के कदम धरती नापे, इधर ये दोनों थर थर कांपे। अब तो शेर आ गया एकदम सामने, बकरी लगी जैसे तैसे बच्चे को थामने। छिटक कर बोला बकरी का बच्चा, शेर अंकल क्या तुम हमें खा जाओगे एकदम कच्चा। शेर मुस्कुराया, उसने अपना भारी पंजा मेमने के सर पर फिराया। बोला, हे बकरी कुल गौरव, आयुष्यमान भव, दीर्घायु भव, चिरायु भव, कल कर लो हो उत्सव, साबुत रहे तेरे सब अवयव। आशीष देता ये पशु पुंगव शेर की, अब नहीं होगा कोई अंधेरा, उछलो कूदो नाचो और जियो हंसते हंसते। अच्छा बकरी मैया नमस्ते, इतना कहकर शेर कर गया प्रस्थान। बकरी हुई हैरान, बेटा ताजुब है, भला ये शेर किसी पर रहम खाने वाला है, लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। जी हाँ, अब लोकसभा का चुनाव सर पे है, अलग अलग दलों के निष्ठावान जो नेता थे, अब उनके अंदर राष्ट्र भावना जागी है। कोई राष्ट्र सेवा करना चाहता है, किसी को कुछ मेवा चाहिए, यानी कुल मिलाकर अब इधर का माल उधर ट्रांसफर हो रहा है। नेताजी की भावनाएं बदल रही हैं और वो दल बदल रहे हैं, तो आज का मुद्दा भी यही दलदल की दलदल है। तो आते हैं आज के मुद्दे पर। लोकसभा 2024 की सियासी बिसात बिस्ते ही राजनीतिक दलों ने चक्रव्यूह की रचना शुरू कर दी है। पिछले 3 दिन के भीतर सांसद विधायक स्तर के करीब 1.5 दर्जन नेता पाला बदल चुके हैं। झारखंड में तो भारतीय जनता पार्टी ने शिबू सोरेन के परिवार में ही सेन लगा दी। सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन ने 2 दिन पहले भाजपा का दामन थाम लिया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड पर खासा फोकस किया है। पार्टी ने हाल फिलहाल में इन्हीं राज्यों में बड़ी ज्वाइनिंग करवाई है। सेंधमारी को लेकर राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं। आखिर वक्त में नेताओं के ज्वाइनिंग को लेकर कांग्रेस का कहना है कि ये भाजपा के लिए पलटवार है। भाजपा नेताओं को तोड़कर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की स्ट्रेटजी अपना रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस नेताओं का पलायन जारी है। मध्य प्रदेश में पिछले 3 महीने में करीब 8,500 बड़े और छोटे नेता भाजपा में शामिल हुए हैं। इनमें अधिकांश पूर्व सीएम कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं। राजस्थान में भी अशोक गहलोत के करीबी नेताओं को भाजपा ने अपने पाले में लिया है। इनमें लालचंद कटारिया और महेंद्रजीत मालवीय का नाम मुख्य है। तमिलनाडु में पूर्व राज्यपाल तमिलसाई सुंदरम ने भाजपा का दामन थामा है। उनके थोटू कुट्टी सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है। ये सीट अभी डीएमके के कनिमोझी के पास है। भाजपा ने झारखंड में शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन को अपने पाले में लिया है। सीता के दुमका सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है। दुमका सीट एक वक्त में सोरेन परिवार का गढ़ माना जाता था। यूपी के लालगंज से सांसद संगीता आजाद ने भी पाला बदलकर बसपा छोड़ भाजपा का दामन थामा है। संगीता 2019 में बसपा के टिकट से जीतकर संसद पहुंची थी। कांग्रेस ने हरियाणा और राजस्थान में भाजपा के 2 सिटिंग सांसद को भी अपने पाले में लिया है। चुरू से सांसद राहुल कंसवा को तो पार्टी ने टिकट भी दे दिया है। हिंसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह को भी टिकट मिलने की अटकलें हैं। चक्रव्यूह को मजबूत करने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। पार्टी ने 20 मार्च को 2 छोटी पार्टियों का विलय भी करा लिया। इनमें पप्पू यादव की पार्टी जाप और लाल सिंह की पार्टी डोगरा स्वाभिमान संगठन शामिल हैं। पप्पू यादव का बिहार के सीमांचल में मजबूत जनाधार है, जबकि चौधरी लाल सिंह जम्मू में काफी मजबूत माने जाते हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी के एमएलसी अमस्या पांडवी ने सिंधे गुट का दामन थाम लिया।
तमिलनाडु में भी पूर्व सांसद पी डी एलांगोवन और पूर्व विधायक वी टी कोले सेल्वन ने सत्ताधारी डीएमके को ज्वाइन कर लिया है। कांग्रेस ने झारखंड विधानसभा में भाजपा के सचेतक जयप्रकाश को भी अपने पाले में झटका है। पटेल के हजारीबाग सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा भी है। जयप्रकाश के पिता टेकलाल पटेल झारखंड के कद्दावर नेता रहे हैं। कुनबा मजबूत करने में क्षेत्रीय पार्टियां भी जुड़ गई हैं। बिहार में जेडीयू युवा सेल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय कुशवाहा बुधवार को आरजेडी में शामिल हो गए। कुशवाहा को औरंगाबाद से आरजेडी चुनाव लड़वाना चाह रही है। यूपी में समाजवादी पार्टी ने भी गढ़ मजबूत करने के लिए पिछले दिनों बसपा के नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था। बिहार में जनता दल यूनाइटेड ने भी बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को अपने पाले में लिया है। लवली शिवहर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। राजनेताओं के पाला बदल का खेल चुनाव के समय बढ़ जाता है। इसकी दो मुख्य वजह हैं। पहली, नए राजनीतिक परिदृश्य में जिताऊ उम्मीदवार को ज़्यादा तरजीह मिल रही है। ऐसे में चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियां समीकरण को साधने के लिए बाहरी उम्मीदवार को भी टिकट देने से परहेज नहीं करती। यही वजह है कि चुनाव के वक्त नेताओं का पाला बदल बढ़ जाता है। दूसरी वजह है, CSDS के मुताबिक 11% लोग उम्मीदवार को देखकर चुनाव में वोट करते हैं। 15% लोग मतदान के दिन ये तय करते हैं कि उन्हें किसे वोट देना है और 17% लोग कैंपेन के आधार पर मतदान करने का निर्णय लेते हैं। यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियां मजबूत कैंडिडेट को ज़्यादा तवज्जो देती हैं। अब बात अगर यूपी में इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े पार्टनर समाजवादी पार्टी के दो अहम घटक दलों अपना दल कमेरावादी और चंद्रशेखर आज़ाद की करें तो अब इन दोनों ने सपा से अपना पिंड छुड़ाकर एकला चलो की रणनीति पर चलने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस समय यह आ रही है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका अपना दल कमेरावादी के साथ गठबंधन टूट गया है। पिछले दिनों राज्यसभा चुनाव के दौरान पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के बीच तल्खियां सामने आई थी। एक दिन पहले यानी कल ही पल्लवी पटेल ने मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी लोकसभा सीटों पर दावा ठोका था। इसके बाद शाम को सपा ने मिर्जापुर से अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया था। तभी से चर्चा तेज हो गई थी कि सपा और अपना दल कमेरावादी का गठबंधन टूट गया है। आज गुरुवार को लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि 2022 में अपना दल कमेरावादी से हमारा गठबंधन था जो टूट गया है। हमारे साथ असली लोकदल है। ठीक इसी तरह आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सुरक्षित सीट से नामांकन कर दिया है। यहाँ भाजपा से ओम कुमार और इंडिया गठबंधन में सपा से मनोज कुमार प्रत्याशी हैं। उत्तर प्रदेश की नगीना सीट भी अब हॉट सीट की लिस्ट में शुमार हो गई है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इस सीट की चर्चा हो रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने नगीना से पूर्व जज मनोज कुमार को उतार कर चंद्रशेखर को पिछले दिनों झटका दिया था। चंद्रशेखर पिछले काफी समय से सपा गठबंधन के साथ थे। अब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के केतली चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर टिकटों का बंटवारा हो ना हो, बृजभूषण सिंह का कुछ भी हो, वरुण गांधी का कुछ भी हो, लेकिन आना जाना शुरू हो गया है। अगर किसी पार्टी के दरवाजे बंद हैं तो खिड़कियां खुली हैं, रोशनदान खुली हैं, आप आ जा सकते हैं और अपने मन मुताबिक पार्टी का गमछा पहन सकते हैं, फूल गुलदस्ता ले सकते हैं, फव्वारा दे सकते हैं और बदले में टिकट ले सकते हैं। धन्यवाद।